विशिष्ट मेहमान असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के मुखिया, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन सभी का, क्योंकि वक्त है अब अगली बहस का। आइए शुरुआत करते हैं। एक डिस्क्लेमर है, चाय से ज्यादा गर्म ये बहस हो सकती है, तो वहां से ध्यान हटाएं और इधर आ जाएं। सुधांशु त्रिवेदी जी, 4 और 5 जब कोर्ट में राम मंदिर के मुद्दे पर डेली हियरिंग की शुरुआत होगी, वो माइक सर आपको इनको देना पड़ेगा, नहीं एक माइक और। 4 और 5 दिसंबर से डेली हियरिंग अयोध्या मुद्दे पर राम मंदिर का कोर्ट में होगा। आज ही असदुद्दीन ओवैसी जी ने कह दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस ने तो हिंदू क्लब बना लिया है। अब आप बताइए कि क्लब बना रहे हैं आप, राम मंदिर बना रहे हैं, या विवाद आगे ले जा रहे हैं? देखिए, ओवैसी साहब ने जो कहा है ना कि वो क्लब बना है, तो हमारे क्लब में आ जाओ, यहां कोई ऊंचा नहीं है नीचा नहीं है। अरे जनाब, ये क्लब के अपने लेने के चक्कर में तो दुनिया भर में जंग कर दी है आपने, वरना हमारे यहां कोई क्लब में एंट्री की बात नहीं है। अगर इफ यू ऑल एट ऑल कंसीडर हिंदुइज्म एज ए रिलीजन, इट नेवर बिलीव्स इन कन्वर्जन। दैट्स व्हाई इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि साहब, आप ही लोग तो वो लोग हैं जो खुलेआम किसी संप्रदाय का नाम लेके बात करते हैं, जो खुलेआम जात का नाम लेके बात करते हैं। भाई राहुल गांधी जी के बारे में पूछिए तो जो 3 लोगों का समर्थन गुजरात में ले रहे हैं, किस कारण से ले रहे हैं, बोलने की जरूरत है क्या? 20 साल पहले क्या कहा था? खाम, KHAM, 4 जातियां। बिहार में किसके साथ गठबंधन किया? लालू यादव जो कहते भूरा बाल निकाल रहा हूं, 4 जातियां। किसके साथ उत्तर प्रदेश में कहा? MY, 2 जातियां। भैया, जात और मजहब की राजनीति करते आप और सवाल पूछते हैं हमसे, हकीकत में तो आप ही लोगों ने घुमाया है ना इन सारी की सारी चीज में। अभिषेक मनु सिंघवी जी, 24 मंदिर हो चुके राहुल गांधी गुजरात में, इस वक्त पर कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है राम मंदिर पर, क्या स्टैंड है सर? ये आपके दो वाक्य संबंध नहीं रखते, उनका मंदिर जाना और राम मंदिर से क्या संबंध है। मैं आपको एक बताऊं रोचक बात, मेरा सबसे फेवरेट रंग गुलाबी है, ऑरेंज, और मैं कई बार पहनता हूं, तो ये बड़ा आसान प्रश्न उठता है कि आप गुलाबी क्यों पहनते हैं। अरे भाई, इस देश में हिंदुइज्म का मोनोपोली आपने बीजेपी को दे दी है क्या? मैं बहुत गौरवान्वित हिंदू हूं, मैं बहुत गौरवशाली हिंदू हूं, सिर्फ फर्क इतना है कि मेरी और इनकी परिभाषा हिंदुइज्म की भिन्न है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, हमारे सभी लीडर, नेहरू, क्या इस देश में मानवाधिकार नहीं रखते मंदिर जाने का? उसकी बपौती सिर्फ इनको मिल रखी है क्या? ये जानबूझकर जो विभाजन की परिभाषा है, ये पहली बार हमारी राजनीति में ये लाए हैं। और देखिए, मेरे दोनों मित्र हैं, प्राइवेट में बहुत ही रीजनेबल हैं, लेकिन पब्लिक में दोनों के एक्सट्रीम विचार हैं। बैठना मुझे चाहिए बीच में, दोनों के एक दूसरे के मिरर इमेज हैं दोनों, प्रसाइसली वही जो एक्सट्रीम मत रखते हैं कई बार पब्लिक में, इनकी पार्टी वही मत रखती है उनकी पार्टी। इसलिए अगर संतुलित राजनीति, इस देश में सबको साथ लेके चलने की राजनीति, जिसको आप पुराना रेनबो कोएलिशन कहते थे, वो सिर्फ कांग्रेस की है और होनी भी वैसी चाहिए, क्योंकि आपने पिछले 3 वर्षों में सिर्फ जिस प्रकार के विभाजन के आपने नकारात्मक सिंबॉलिक कई सारे निशान देखे हैं, वो कभी होते नहीं थे, 3 साल पहले भी नहीं होते थे। हर वाक्य में, हर प्रश्न में, हर संकेतात्मक चीज में, हर इन्वेंडो में, तो निश्चित रूप से अगर मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म एक तरफ है, तो हिंदू एक्सट्रीमिज्म के जो रूप हैं, जिसको मैं हिंदुत्व नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, वो भी उसी का एक दूसरा रूप है। ओवैसी जी, आपकी आंखों में आजकल ज्यादा कौन अखड़ रहा है, जनेऊधारी राहुल गांधी या जिन्हें आप कहते हैं भगवा मानने वाले बीजेपी के प्रधानमंत्री? मेरा हाल तो ऐसा हो गया कि फंस गई रजिया गुंडों में, और ये मुझे नहीं मालूम कि ये
प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं हिंदू नेशनलिज्म को मानता हूं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो पहली स्पीच दी थी लोकसभा में, प्रेसिडेंट एड्रेस में, कहा था कि 1200 साल की गुलामी के बाद हमको सत्ता मिली। अब मुझे नहीं मालूम, मुझे तो मालूम कि अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी थी, जिसमें आरएसएस ने अंग्रेजों की गुलामी की और हमने उनसे मुकाबला किया था। तो अब तीसरी बात यह है कि बीजेपी हिंदुत्व पर चलती है, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलती है। चौथी बात यह है कि दोनों पार्टियों ने पटेलों को टिकट दिया, ये 45 दिए, 49 दिए, गुजरात में चौधरियों को दिया, ठाकुरों को दिया, सबको दिया। बीजेपी ने एक मुसलमान को नहीं दिया, मगर फिर भी मोदी साहब को मुस्लिम औरतों से हमदर्दी है। कांग्रेस 11% मुसलमान है, हर इंडिकेटर्स में बैकवर्ड है, मगर कांग्रेस पटेलों को रिजर्वेशन देना चाहती है। तो ये प्रॉब्लम है, इन दोनों का जो हिंदुत्व है, एक सॉफ्ट है एक हार्ड है, मगर दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ आपका एजेंडा साफ है, मुस्लिम वोट बैंक साफ नहीं। अगर मुस्लिम वोट बैंक होता तो गुजरात में 182 असेंबली सीट में सिर्फ दो ही मुसलमान क्यों जीत के आते? आज 30 साल से गुजरात में कोई मुस्लिम एमपी जीत कर नहीं आता। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं दोनों को, जिता दीजिए एक मुसलमान को एमपी बनाकर। अब बता दीजिए आपके, ठीक है मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, खराब आदमी हूं, आप दोनों तो दूध के धुले हुए हैं, आप तो नेहरूवियन हैं, आप गोलवाल करके चाहने वाले हैं, जिता के बता दीजिए, मालूम हो जाएगा। देखिए जो आपने कहा ना कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन की बात सिर्फ आप करते हैं, आपने इन्होंने तो किया, आंध्रा में दिया था ना, कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, एमयू में दिया था ना दलितों का हिस्सा छोड़ के, अभी दिया एक महीना पहले कर्नाटक की सरकार ने, जबकि पता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हो नहीं सकता। और रही बात इसकी, जब रिजर्वेशन की बात आती तो मैं एक और बात बताना चाहता हूं, आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार मुसलमानों को रिजर्वेशन कब मिला? आज से 100 साल पहले 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग मानी, देश की सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी गई कि यहां से सिर्फ मुस्लिम ही चुन के आएगा, और वहीं विभाजन की नींव पड़ी थी जनाब। आरएसएस था क्या तब 1920 में, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, मैं आपको रोक सकता हूं, एक मिनट सर, आप कल कर्नाटका में गवर्नमेंट बनाएंगे, आप कह दीजिए कि हम रिजर्वेशन निकाल देंगे, आपका चीफ मिनिस्टर 5 साल था, उसने रिजर्वेशन कंटिन्यू क्यों किया? आप बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में कह दीजिए निकाल देंगे, नहीं तो नीतीश से सपोर्ट वापस ले लेंगे, ये दोहरा मैं हमने मुस्लिम रिजर्वेशन पे कहा, उस पर हमारा मत एकदम स्पष्ट है। और मैं एक और बात रिजर्वेशन से याद आ गई, अभी आपने कहा था ना कि साहब वो हमारे क्लब में आ जाओ, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, साहब ये आपके क्लब में आए हुए जो लोग हैं वो रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हैं भाई, और लेते भी हैं 3.5%। इसलिए तो आप एलानिया कह दीजिए कि हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, जो रिजर्वेशन लेता है इसलिए मांग रहे हैं कि महात्मा गांधी है। इसलिए मांग रहे हैं कि महात्मा गांधी को अमित शाह ने बनिया कहा। कास्ट हिंदुस्तान की रियलिटी है, हर अखबार उठाकर देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट जो मैरिज मैट्रिमोनियल के आते हैं, वो आप कुछ बोलिए हकीकत उसमें जाहिर हो जाती है। तो कास्ट इंडिया के कल्चर में शामिल है, उसको खत्म नहीं कर सकते, ये हकीकत है। और मुसलमानों में भी कास्ट है, इसीलिए बिहार में आप दे रहे हैं, कर्नाटक में आप दे रहे हैं, ये रियलिटी है। सो क्यों नहीं मानते? सच्चर कमेटी को आप मानते, रंगनाथ मिश्रा को मानते, कुंडू कमेटी को मानते, सब चीजें आपके सामने हैं, मगर आपका प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूं कि मजहब के नाम पर मत दीजिए, बैकवर्डनेस के नाम पर दीजिए, आर्टिकल 15 और 16 के नाम पर दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं एक बात पूरी कर लूं, कास्ट रियलिटी है इंडियन सोसाइटी की, इसका ओरिजिन कहां से है? इसका ओरिजिन है ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में, जहां पहली बार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आया है। तो भैया अगर कास्ट रिजर्वेशन मानते हैं तो आप मानते हैं आप उससे कनेक्टेड हैं? और अगर मानते हैं तो इस क्लब की अभी भी मेंबरशिप लिए हुए हैं, मजा इस क्लब की मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं और रहना उस क्लब में चाहते हैं। अच्छा सर, मैं इस क्लब में आने तैयार हूं, आप मुझे ब्राह्मण बनाएंगे? अरे भाई मैं आप तो मुझे ब्राह्मण बनाएंगे या क्षत्रिया बनाएंगे, ठाकुर बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो मुझे जातियों आप? का नाम सर आप नहीं बना सकते, भैया ये हिंदू नहीं बना मुस्लिम, अरे नहीं बना सकते सर, रियलिटी है। अरे रियलिटी है सुधांशु जी, आप बहुत अरे भाई मैं तो कह रहा हूं ना, आप तो जात मानते ही नहीं, तो आप कहे जात बिल्कुल सही है सर, मगर इंडियन दोनों तरफ के फायदे आर्टिकल 15 और 16 को तो मानते हैं ना आप, इसका मतलब छोड़ दीजिए आर्टिकल 56 नहीं मानेंगे। आप लोगों ने घर वापसी सुनी होगी, ये आधा पांव तो घर में पहले ही रखे हुए हैं, फिर कहते हैं घर वापसी की बात क्यों हो रही। सिंघवी जी सर देखिए, हमारा मानना ये है कि हजरत आदम अलैहि सलाम जब दुनिया में आए तो हिंदुस्तान में पहला कदम रखा, तो मेरे बाप का मुल्क है, आधा क्या पूरा मेरा मुल्क है, आप आधी बात मत करिए। आप देख रहे हैं कि जो मैंने कहा वाक्य वो पूरी तरह से प्रमाणित हो रहा है, दोनों एक्सट्रीम पोजिशन, दोनों
स्थितियां वही कि हर चीज को मजहब और धर्म के हिसाब से देखो, इसका आपने अभी 5 मिनट से पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। और मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप परिभाषित कर दें टर्म्स ऑफ डिबेट, ये डिबेट आरक्षण पे है, अयोध्या पे है या मुस्लिम आरक्षण पे है। मैं पहले आरक्षण पे एक शब्द बोल दूं, मुझे बड़ा रोचक लगा सुधांशु जी का इंटरवेंशन। ये आपको ये नहीं बता रहे हैं कि अक्टूबर 2017 में माननीय मिसेस सिंधिया की सरकार ने आरक्षण किया व्यापक भरपूर 50% से ऊपर 2 महीने पहले, वो अभी तक कोर्ट में लंबित है 50% से ऊपर सिर्फ आरक्षण जाट गुजर उसके नाम पे। एक वर्ष पहले माननीय खट्टर जी ने हरियाणा में 50% से ऊपर वही आरक्षण किया। दोनों सरकार में है, सत्तारूढ़ है, आरक्षण कर दिया। हमने सिर्फ प्रस्ताव रखा हार्दिक पटेल को कि किस प्रकार कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से कर सकते हैं संभवतः जब हम सरकार में आएंगे, उसके लिए ये आडंबर वाली हिपोक्रेसी वाली निंदा कर रहे हैं तब से। जहां तक मुस्लिम आरक्षण का सवाल है, पहली कक्षा का पहले साल का कानून का व्यक्ति जानता है कि धर्म के आधार पर हमारे देश में संविधान अनुमति नहीं देता है। जब आंध्र प्रदेश में किया था तो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया था और वो लंबित हो गया, उसकी अपील अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं नहीं मानता, नहीं नहीं सर, आप धर्म गलत के, धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे मुझे करेक्ट करने दीजिए सर, माफी चाहता हूं सर। रोशिया चीफ मिनिस्टर थे, मैं सर केजी बालकृष्ण सीजे थे, आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां पर उन्होंने स्टे लिया। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर गुजरात के कंटेक्स्ट में, सर गुजरात के कंटेक्स्ट में क्या पटेल मुसलमानों से बैकवर्ड है? आप कह दीजिए, चलिए मान लेता हूं, आप कह दीजिए ना सर कि मुसलमान पटेल से फॉरवर्ड है सोशल एजुकेशनली, आप बता दीजिए। वो अलग प्रश्न है, अलग प्रश्न नहीं है सर, इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। नहीं ओवैसी साहब, धर्म के आधार पे आप आरक्षण नहीं कर सकते, संविधान अनुमति देता है। लेकिन संविधान अनुमति देता है अगर आप ये दिखा सकें कि देश या प्रदेश के लोग 1% से ज्यादा पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है, उसके लिए आरक्षण 50% से भी ज्यादा जा सकता है अनुमति अगर कोर्ट दे तो। वही चीज प्रयत्न किया जा रहा है अगर हमारी सरकार आती है हार्दिक पटेल के साथ 9th शेड्यूल के विषय में इत्यादि इत्यादि। तो मूल बात यह है कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हर चीज को धर्म मजहब की परिभाषा से आप देखते हैं। कहां से उसका क्या धर्म है, कहां से वो आया, किस प्रकार का उसको हर दिन अपना एक बैज पहनना पड़ता है भारतीय नागरिकता का अपने हाथ पे, ये परिभाषा, ये अप्रोच पूरी तरह से निंदनीय। तो सर इन्होंने जाल बिछाई, आप गिरे क्यों उसमें? क्यों आकर राहुल गांधी की तरफ से बैटरी ऑफ स्पोक्स पर्सन्स कांग्रेस पार्टी के ये बताने लगे, तस्वीरें दिखा दिखा के कि जनेऊधारी ब्राह्मण है, ये आप उस जाल में खुद ही चल के? कोई बैटरी नहीं दिखाई आपने, एक स्पष्टीकरण को बार बार मीडिया में दिखाया। वो स्पष्टीकरण इसलिए आवश्यक था कि एक कागज जो इस विषय पे नहीं था उस पे हस्ताक्षर लेके किसी और रजिस्टर में दिखाया गया और उसको, जो कि हमेशा बीजेपी करती है, बढ़ावा दिया गया मीडिया में, बार बार उसको प्रचारित किया गया, इसलिए स्पष्टीकरण दिया। उस स्पष्टीकरण को आपने सब दिखाया, कोई ऐसे स्पोक्सपर्सन नहीं थे, उनको ये आवश्यक नहीं है। 200 मंदिर गए हैं वहां, हमेशा हिंदू की तरह ट्रीट हुए हैं, हिंदू माने गए हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, मूल बात ये है, एक मिनट लूंगा सर, आधा मिनट। देखिए ये आप क्यों पूछते हैं कि मैं मंदिर क्यों जा रहा हूं? अगर अनुमति हो तो ओवैसी जी भी मंदिर जा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं जाइए, इनका धर्म अनुमति नहीं देता है। लेकिन अगर धर्म दे अनुमति और अगर मंदिर वाला दे अनुमति तो क्यों नहीं जा सकते ये? अगर ये हिंदुइज्म के सभी उत्तीर्ण लक्ष्यों को, क्वालिटीज को फॉलो करते हैं तो ये बेहतर हिंदू है या मैं जनेऊधारी बेहतर हिंदू हूं? क्या इस प्रकार की हिंदुइज्म की परिभाषा बेहतर है जो बार बार पूछती है आपसे कि आप कैसे हिंदू हैं? अरे हिंदू वो होता है जो गांधी जी ने कहा, जो दूसरे की पीड़ा जानता हो, वैष्णव जन जाने पीड़ा, वो वाला जो वाक्य है। तो इसलिए हिंदू की परिभाषा, उसका मर्म समझिए, सिर्फ ये आडंबर में नहीं जाइए। देखिए जो आपने बात कही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मंदिर जाए, मंदिरों में तो ऐसी रोक भी नहीं है कि नॉन हिंदूज नहीं जा सकते। बगर समस्या ये है कि श्रद्धा भाव से आप धर्म के विचार से जा रहे हैं या चुनाव के समय जा रहे हैं? ये चुनाव के समय जब ज्यादा मंदिर जाना नजर आता है, और वो भी वो नेता जिसका किसी जमाने में ये स्टेटमेंट आया था कि मंदिर लोग किस लिए जाते हैं, छेड़खानी करने के लिए जाते हैं, अचानक वो चुनाव के समय जाने लगते हैं, तब मन में शंका उत्पन्न होती है कि भाई। और दूसरी बात भाई, आज तक हमारे किसी नेता ने कहा कि
कि साहब हम जनेऊधारी हैं या फलाना है। वैसे तो मैं इस पर नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा, उनका यज्ञोपवीत कब हुआ इसकी जानकारी मेरे ख्याल से भारत में किसी को नहीं होगी, और किस पुरोहित ने करवा दिया ये भी नहीं होगा। खैर वो एक अलग विषय है, मगर एक समस्या और भी है। जैसे इन्होंने अभी कहा, सिंघवी जी ने, कि हम लोगों के बारे में कहा कि हम लोग इंतहा पसंद हैं, मगर साहब मैं पूछना चाहता हूं, जुगलबंदी तो आपकी इनके साथ ही बनती है। आप लोग आंध्र प्रदेश में एक साथ मिलकर सरकार चलाए थे कि नहीं? जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो बयान दिया है तब आपका पार्टनर था कि नहीं? इशरत जहां का मामला हो तो दोनों एक साथ, जाकिर हुसैन का, जाकिर नायक का मामला हो तो दोनों एक साथ, अफजल गुरु का मामला हो दोनों एक साथ, मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला हो दोनों एक साथ। गजब की जवाबी कव्वाली है दोनों के बीच में, और कह रहे हैं सवाब हमसे। दो मुद्दों की जुगलबंदी को पांच मुद्दों की जुगलबंदी बना दिया। जाकिर में बिल्कुल साथ नहीं, इशरत में बिल्कुल साथ है, इशरत में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय भी साथ है। अगर सैद्धांतिक मुद्दा है तो क्यों साथ खड़े रहो? हम इसलिए खड़े नहीं होते साथ में कि आपका मजहब क्या है, हम आपका मजहब पूछ के खड़े हो साथ में। इनके साथ हमारे विरोध हजारों मुद्दों पे है। सबसे ज्यादा एक्चुअली कंफ्यूजन और बोलना चाहता हूं मैं, अगर कोई याद करता है भगवान राम को चुनाव के वक्त, तो सिर्फ एक पार्टी है देश में, एक ही पार्टी है जिसको भगवान राम याद आता है, प्रादेशिक चुनाव हो या राष्ट्रीय चुनाव हो। मैं अभी पूछ पाऊंगी सुना, एक सेंटेंस जरूर बोलना चाहूंगा। पुराने और वरिष्ठ नेता है, भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव अभियान की शुरुआत राम के नाम से की है तो बताइए, याद है आप लोगों में से किसी को? नवंबर 1989 स्वर्गीय राजीव गांधी ने लोकसभा चुनाव की शुरुआत फैजाबाद में राम राज्य के उद्घोष के साथ की, हमने नहीं की। मगर अपॉर्चुनिज्म यह होता है कि एक साल के अंदर नवंबर 1990 कार सेवकों को मरवाने वाले मुलायम सिंह की सरकार का समर्थन करके सरकार बचाई। इसे कहते हैं 12 महीने में पलटी खाना। ठीक है, अब ओवैसी जी आपको जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं इस मंच पर। वो कहते हैं कि आप उनके साथ सरकार चला चुके हैं, आपके जो वैचारिक विचारधारा जो आपकी है वो कांग्रेस से मिलती है। वो कह रहे हैं आजकल कि आप इनके साथ हाथ मिलाए हुए हैं, आप अमित शाह को हेल्प करते हैं, हर जगह खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में और फायदा बीजेपी को हो जाता है, कहाँ हैं आप? अब देखिए मेरा, अब ये दोनों ये समझते हैं कि मैं उमराव जान हूँ, मगर इन दोनों को ये नहीं मालूम, रजिया उमराव जान, हाँ ये दोनों को नहीं मालूम कि मैं ना उमराव जान हूँ ना रजिया हूँ। मैं हिंदुस्तान के संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। यही अपॉर्चुनिज्म है कि अगर कांग्रेस की आप मुखालिफत करेंगे तो आप सेकुलर नहीं है, बीजेपी को अगर आप आइडियोलॉजी पर अटैक करेंगे तो आप नेशनलिस्ट नहीं है। तो ये दोनों बड़े बड़े साहूकार बने हुए हैं, एक दुकान सेकुलरिज्म की चला रहे हैं, एक दुकान नेशनलिज्म की चला रहे हैं, और ये समझते हैं कि जब तक इनके पास कोई आएगा नहीं। आप देखिए अगर कोई वेटरनरी हॉस्पिटल होगा तो वहां पर घोड़े की जांच होती है कि हाई ब्रीड का है, जब तक स्टैंप नहीं मारता डॉक्टर तो इनका हाल यही बना हुआ है, जब तक हम स्टैंप नहीं मारेंगे कोई हाई पेडिग्री का नहीं है। अरे भाई मैं इंसान हूँ, मेरे भी उसूल हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मगर ये आप दोनों कब से इख्तियार मिल गया है कि आप सेकुलरिज्म सर्टिफिकेट देंगे? हम कांग्रेस की सपोर्ट कब की, सरकार में नहीं थे, इनके ही पार्टी के एमएलए छोड़ के भाग गए थे, तो आपके लीडरशिप ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी का साथ दीजिए, हमने इनका साथ दिया, मगर सरकार में कहां थे? हरगिज सरकार में साथ नहीं थे। सर आप ही की भाषा को आगे ले जाते हुए, आपकी दुकान में वंदे मातरम का विरोध बिकता है, राम मंदिर का विरोध। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो वंदे मातरम का विरोध करे ओवैसी का हीरो। मैं आपको एक इंसिडेंट दे रहा हूं कि महात्मा गांधी ने उनकी मौजूदगी में वंदे मातरम पढ़ा गया, सोहरवर्दी उठ गए, सब उठ गए, महात्मा गांधी नहीं उठे। और महात्मा गांधी इसलिए नहीं उठे कि महात्मा गांधी ने कहा कि ये वेस्टर्न कस्टम है, ये हिंदुस्तान का कस्टम नहीं है। अगर महात्मा गांधी आज होते तो ये लोग उनको कह देते कि ये एंटी नेशनल है, ये तो है हमारे सामने। और वंदे मातरम से मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप मेरे नेशनलिज्म का, मेरी लॉयल्टी का टेस्ट मत बनाइए। रहा सवाल राम मंदिर का, कोर्ट का फैसला दीजिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। आप इलेक्शन से पहले अगर आज तक स्टिंग नहीं करता तो ये तो पैसे बांट चुके थे, अब तक ये तो पैसे बांट चुके थे, आज तक ने स्टिंग किया तो मालूम हो गया कि कौन पैसे बांट रहा है, वरना तो पैसे बांट रहे थे। राम मंदिर पर भी तो जरा चुप्पी तोड़िए, मैनिफेस्टो में डालते हैं, वहां पर आपकी सरकार, यूपी में सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट की कोशिश होनी चाहिए, किसी ने पहल नहीं की, और स्टिंग में आया कि बात पैसे की हो रही थी। देखिए राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्र की अस्मिता और श्रद्धा से जुड़ा हुआ मुद्दा, तो सर बड़े सालों से देश की पहचान का मुद्दा है। आज बस कुछ दिनों के बाद कोर्ट में डे टू डे की प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है। आप कहेंगे जब केस लगता है कोर्ट में, आप भी आला दर्जे के वकील हैं, आप भी
बहुत अच्छे वकील हैं, तो क्या होता है केस हिस्ट्री देखी जाती है ना कि प्रीवियस केस हिस्ट्री लाओ। केस हिस्ट्री क्या है? पिछले 65 साल के मुसलसल कोर्ट के सारे निर्णय किस पक्ष में है। दिसंबर 1949 से मूर्तियों की पूजा की अनुमति कोर्ट के आदेश से, फरवरी 1986 ताला खुला कोर्ट के आदेश से, नवंबर 1989 वहां पर शिलान्यास की अनुमति कोर्ट के आदेश से, दिसंबर 1992 ढांचा गिरने के बाद अस्थाई मंदिर में मेकशिफ्ट टेंपल में मूर्तियों की पूजा कोर्ट के आदेश से, और 30 सितंबर 2010 को तो जो कोर्ट ने यूनानिमस डिसीजन दिया है उसमें केंद्रीय गुंबद के नीचे का स्थल जिसे गर्भगृह या इंग्लिश में सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं उसे श्री रामलला विराजमान को दिया है, यानी वह राम जन्मभूमि मान लिए। तो भैया उत्तरोत्तर निर्णय पक्ष में है, बिल्कुल निर्णय पक्ष में आएगा, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। और सामाजिक आधार पर भी देखिए साहब, इनकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, अब वो नहीं बोलते। मुलायम सिंह ने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, अब नहीं बोलते। और उस जमाने में बुखारी और शहाबुद्दीन जैसे नेता थे, अब मुस्लिम समुदाय में भी तमाम लोग उभर के आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं मंदिर बनेगा, होगा पूरा काम जब सब मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। देखिए ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अगर तर्क के आधार पर आप सोचें इसमें दो मुद्दे विभाजन करना अति आवश्यक है। क्या जो 1992 में हुआ वो सही था, और अब क्या निर्णय दे के निर्णय के अंतर्गत भविष्य में होने वाला है, ये दो बिल्कुल भिन्न इशू हैं। ये समझना कि 1992, क्योंकि हमारी संस्थापक स्मृति बहुत कमजोर होती है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, और आज जो हो गया सो हो गया वो सही है, ये बिल्कुल गलत होगा। भारत और भारत के सभी पड़ोसी देशों में जो फर्क है वो भिन्नता चली जाएगी अगर हम 1992 6 दिसंबर की वारदात को सही माने। आपको इतिहास पढ़ाया गया, अभी ये इतिहास बताया गया कि सुधांशु जी ने कि 1528 से 1767 तक 200 वर्ष तक वहाँ ये खड़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपको दो मिनट लूंगा लेकिन आवश्यक है। उसके बाद इस पे मुझे आपत्ति है कि उन 200 साल में प्रॉब्लम नहीं थी, ये इतिहास आपका है। एक मिनट मेरे को आप बोले थे, मैंने हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया, नहीं किया, कोई कम्युनल वारदात नहीं थी, ये कैसे शुरू हुआ? उसके बाद चबूतरा के इंसिडेंट 1767 से लेके 1865 में सूट हुआ, तब तक फिर 100 वर्ष की शांति, सूट चलता रहा। 1886 से लेके 1934 में दंगे पहली बार 34 में हुए, और अंततोगत्वा ये मुद्दा एडवानी जी ने अपनी यात्रा द्वारा 80 और 91 और 92 में उठाया, चलिए वो हो गया। लेकिन जो उस दिन हुआ उसके लिए आज 2017 में उच्चतम न्यायालय में जो खंडपीठ कानून समझती हैं और जो एक मर्म समझती है भारतीय सेकुलरिज्म का, उसने निर्णय दिया है दिग्गज नेता इनके वापस उस कॉन्स्पिरेसी उस इलीगैलिटी के लिए ट्रायल डे टू डे करेंगे। ये निर्णय आया है 6 महीने पहले सीबीआई की अपील में, एडवानी जी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी इत्यादि सब, पूरी ट्रायल डे टू डे होगी, ये है सिद्धांत की बात। और उस वक्त आपने सुन लिया एडवानी जी ने कहा 2004 में कि ये सैडेस्ट मोमेंट था मेरा, सर, इन और 2009 में कहा कि सबसे हर्ष वाला मोमेंट था मेरे। अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी का आपने स्टैंड नहीं बताया, तो ये आप देखिए जब हम बात करते हैं भविष्य की तो हम भूल जाते हैं कि किस प्रकार से बेरहमी से ये गैर कानूनी काम हुआ। लेकिन भविष्य का बात, सवाल का भी जवाब, एक सेकंड, भविष्य की बात का सवाल है। मैं समझता हूँ कि भारतीय गणतंत्र की गौरवशाली क्षण है ये कि तीन जजों की खंडपीठ ने, जिसमें दो हिंदू और एक मुसलमान जज भी थे, एक 2-1 स्प्लिट वर्डिक्ट दिया जिसके अंतर्गत 2/3 लगभग उस इलाके को निर्मोही अखाड़ा और रामलला को दिया गया और 1/3 दिया गया मुसलमानों को। मैं समझता हूँ ये उच्च न्याय, ये निर्णय काफी एक प्रकार से संतुलित है। अगर टूट ही गई ये चीज तो उसके बाद ये संतुलित निर्णय है। अब वो निर्णय उच्चतम न्यायालय अपहोल्ड करेगा या नकारेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन आज तक जितनी राजनीति इसके लिए खेली गई है, जिस प्रकार से भयभीत किया गया है लोगों को, जिस प्रकार से उकसाया गया है, जिस प्रकार से दुराव फैलाया गया है, जिस प्रकार से आपसी वैमनस्य से फैलाया गया है, इस देश में सिर्फ एक पार्टी है जिसने किया है, और उसमें हाँ हिस्सेदार जरूर वो पार्टियां भी हैं जो उस प्रकार से उसका विपरीत उकसाने वाला प्रयत्न करते हैं। जी उनका इशारा की तरफ, मैं अभिषेक मनु सिंह साहब से अर्ज करना चाहूंगा कि पीवी नरसिम्हा राव, शीला दीक्षित ने स्टेटमेंट दिया कि वो दिन भर उनको कोशिश कर रही थी और नरसिम्हा राव सो रहे थे। आपकी सरकार थी, अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते तो एक मिनट, 30 सेकंड में जवाब सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप नहीं करे,
किसने ताला खोलने की इजाजत दी? आपकी सरकार थी। जब मूर्तियां लाकर रात के अंधेरे में 28-29 दिसंबर के दिन रखी गई, आपके चीफ मिनिस्टर थे जीबी पंत। तीसरी बात सुधांशु जी, 1955 का आरएसएस का जो रेजोल्यूशन है, आप तो संघ के आइडियोलॉग हैं, उसमें राम की बात नहीं थी, कृष्ण जन्मभूमि की बात थी। 1966 में विश्व हिंदू परिषद बना, उसमें आपने बड़े एक लंबा चौड़ा किताबचा निकाला मंदिरों का, उसमें जिक्र नहीं है। 89 में पालमपुर के रेजोल्यूशन में आपको राम याद आ गए, क्योंकि राम याद आ गए तो आपको दिल्ली खरीब नजर आने लगा। तो ये आप लोगों की आस्था है, आप तो बड़ी बड़ी बात तो कर रहे हैं, मगर हिस्ट्री तो ये है। कांग्रेस बराबर की शामिल थी 6 दिसंबर के उस डेमोलिशन में, नरसिम्हा राव बराबर के शामिल थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो आज नहीं है उनकी किताब में लिखा हुआ है, नरसिम्हा राव खुद चाह रहे थे वहां मंदिर बनना, तो कांग्रेस को सूट करता था उस वक्त, बीजेपी भी चाह रही थी। ये तमाम तमाशा तो होगा, अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या 2010 का जजमेंट आता? इसीलिए जस्टिस लिबरन ने आज सही कहा कि इस टाइटल सूट से पहले वो क्रिमिनल केस का डिसीजन आना बहुत जरूरी है। अपने एक सिर्फ मैं क्षण लूंगा उस मुद्दे के बारे में। मुख्यमंत्री बीजेपी के कल्याण सिंह जी, जिन्होंने शायद कितनी पार्टियां बदली अब ध्यान नहीं लोगों को, लेकिन उस वक्त इनके साथ थे, उनका वक्तव्य हलफनामा कमिटमेंट लिखित अंडरटेकिंग उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय ने एक दूसरे रूप से करीब करीब कह दिया कि गजब किया कि तेरे वायदे पर एतबार किया। आज के अटर्नी जनरल ने उनके लिए पेश हुए और वो वायदा किया, उस वायदे का अगले दिन उल्लंघन किया, और भारत के इतिहास में एक ही मुख्यमंत्री हैं जो एक दिन के लिए जेल गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो जो प्रदेश सरकार डायरेक्टली वहां बैठी है उसको आप भूल कर केंद्र सरकार के एक व्यक्ति को कहते हैं कि डेढ़ दिन में उसने 356 का प्रयोग क्यों नहीं किया, और 356 का प्रयोग करके केंद्र सरकार बन के प्रदेश सरकार बन के वो रोका क्यों नहीं? तो मैं समझता हूँ कि हाँ कर सकते थे, लेकिन उनका सेकेंडरी एक मिनट में इस पर जवाब देना चाहता हूँ इनको, सब अतीत में ले जा रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हर किसी को पता है। नहीं एक तो मुझे लगता है ये पार्टियां जानबूझकर ये करती हैं। नहीं अभी आपने पूछा था सर, ये सब स्टैंड का जवाब नहीं दिया, तो अतीत में ही रहेगा। स्टैंड का जवाब नहीं दिया कांग्रेस ने कि स्टैंड क्या है अभी राम मंदिर, वो जानते क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मैं एक वाक्य कहना चाहूंगा, स्टैंड है, उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगा और सहमति से हो नहीं, ये बताई नहीं पाई होगा कि मंदिर के पक्ष में है कि तथाकथित मस्जिद के पक्ष में। कारण जानते क्या है, एक मतलब थोड़ा लाइटर नोट बात कहूंगा, जब राम रावण युद्ध हो रहा था तो जब कोई एक मारा जाता था एक पक्ष का योद्धा, तो देवताओं के दरबार में जब खबर जाती थी तो कहते थे जय हो जय हो, ये नहीं बोलते थे किसकी जय हो, क्योंकि तब तक वो क्लियर ही नहीं थे, पता नहीं कौन जीत जाएगा भैया, वो बाद में दबाना शुरू कर देगा। तो कांग्रेस की स्थिति जय हो हली है, साफ साफ नहीं बोल पा। ओवैसी जी आपकी क्या स्थिति है, राम मंदिर बने बहुसंख्यक हिंदुओं के भारत में? कोर्ट के फैसले बनाइए ना आप, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, क्रिमिनल ट्रायल खत्म। अच्छा सिद्धांशु जी ये बात बताइए कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा आपने एक अजीब कारनामा किया जिस पर क्रिमिनल केस है उसको आपने पद्म विभूषण दे दिया, ये क्या बात है सर? जिस पर क्रिमिनल केस है उसको पद्म विभूषण दे दिया आप, ठीक है मैं जाकिर नायक के साथ हूं, मैं सबके साथ हूं, सर आप तो अच्छे हैं ना सर, आप क्यों गलती कर दी है? अडवाणी के ऊपर क्रिमिनल केस है, इतना बड़ा पद्म विभूषण दे दिया उनको आप। अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि कल एक जमीन को संताल होना पड़ेगा, कल हम पत्थर में बैठेंगे, मैं दिल्ली जा रहा हूं। आप बताइए ये सब चीजें आप कर रहे हैं, और आप हमसे पूछ रहे हैं मैडम अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो 2010 का जजमेंट आता क्या? तो पहले सजा क्यों नहीं मिलती लोगों को? कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में है, मैं आपको बता रहा हूं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 900 लोग मारे गए फसादात में, कितने को सजा हुई? 4 को, एक को भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिला। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट में 100 लोग मारे गए, 10 लोगों को एक को कैपिटल पनिशमेंट, 10 को 20 को लाइफ इंप्रिजनमेंट। यही तो हम कह रहे हैं कि इंसाफ करिए इस मुल्क को, अगर आप जब तक इंसाफ नहीं करेंगे अमन कायम नहीं होगा। ये लाट दोनों कुछ कह लें बड़ी बड़ी बातें, इंसाफ क्यों नहीं करते भैया आप? इंसाफ करिए, इंसाफ के तकाजों को पूरा करिए, मुल्क को मजबूत करिए। आप ये बताना चाह रहे हैं सुधांशु कि मैं बनाऊंगा आपको डराकर बनाऊंगा, हम कहेंगे नहीं डरने वाले आपसे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम बहुसंख्यक जिस क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं, अंजना जी एक बात, क्रिमिनल केस की आप बात कर रहे हैं, अब मैं बोल लूं, आप जिस क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं अगर उस हिसाब से तो 1977 में कोई चुनावी नहीं लड़ पाता। अरे भैया जॉर्ज फर्नांडिस से भी बड़ौदा डायनामाइट केस लगाया था,
और इस देश के कानून के हिसाब से मुलायम सिंह की सरकार आई, फूलन देवी से सारे केस विड्रॉ कर लिए। मतलब आज फूलन देवी नीट एंड क्लीन होती और लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो आरोपी हैं। ऐसा गजब का इंसाफ आपकी सरकारें करती हैं। अभी इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही और रूल की। कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को वहां मंदिर था या मस्जिद थी? बाकायदा मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा। मगर ये भी बाबरी मस्जिद कहेंगे, ये भी बाबरी मस्जिद कहेंगे। और अगर आप अपनी सुविधा से 1950 से पीछे जाना चाहेंगे तो ये आपकी सहूलियत पर नहीं होगा कि 1936 पर रुकें, 1786 पर रुकें कि 1526 पर रुकें, फिर 5000 साल पीछे जाएंगे। और एक फैक्ट और मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, बाबर के जमाने के खसरे में क्या लिखा है? वल्दियत राजा दशरथ। औरंगजेब के जमाने में लिखा मस्जिद जन्म स्थान। अरे कौन किसका जन्म स्थान? अरे मीर बाकी के पत्थर में लिखा फरिश्ते के। तो 3 जजेस 2-1 के विभाजन से 6 महीने क्यों बैठे निर्णय देने के लिए? अगर सभी निर्णय आपको करना है तो लंबित क्यों है उच्चतम न्यायालय में अभी मामला? अगर आपका वर्डिक्ट ये है कि जो व्यक्ति ये नहीं कहता है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय भाड़ में जाए, यस हो नो हो, ब्लैक हो व्हाइट हो, हमारा निर्णय है कि मंदिर बनेगा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत भी, तो फायदा क्या है सिस्टम ढांचा होने का? वैसे जी हमारा निर्णय नहीं, हमारी इच्छा है। इसलिए जब आप मजाक, आप अपनी इच्छा भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए जब आप मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो कहते हैं कि हम नतमस्तक हैं न्यायालय के निर्णय को, तो मजाक आप कानून की उड़ा रहे हैं। हमने क्या कहा? हमारा स्टैंड क्यों नहीं है? हमारा स्टैंड जय हो क्यों है? हमारा स्टैंड जय हो इसलिए है कि हम जय हो कहते हैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय को। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा कि मैं समझता हूं कि उच्च न्यायालय का निर्णय एक संतुलित निर्णय है। आज वो गलत वारदात हो गई बानवे की, उसको मैं कभी सही नहीं मानूंगा, आप उसमें कितनी भी वार्निशिंग करें, लेकिन वो उस होने के बाद आज दो वर्सेज एक के निर्णय में 2/3 हिस्सा हिंदूज को मिला है और जो सेंट्रल डोम है वो भी हिंदूज को मिला है, 1/3 वहां पास में समक्ष इनके लिए मिला है। तो अगर वो निर्णय उच्चतम न्यायालय अपहोल्ड करता है और हम सर्वमान्य मानते हैं तो क्या गलती है उसमें? आज घोषणा करने की क्या जरूरत है कि वहां कुछ भी करे उच्चतम न्यायालय? हम तो सिर्फ तीनों को लेंगे, एक ही चीज बनाएंगे, सब कुछ तोड़फोड़ के बनाएंगे। ये रूल ऑफ लॉ है इस पार्टी की कमिटमेंट का। ये इससे पहले जब भी बात होती थी वैसी जी, आप हर बहस में कहते थे डेली हियरिंग करवाए ना मोदी जी, अब तो डेली हियरिंग होने वाली है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो इंसाफ 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 की दुहाई आप देते हैं, बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था की आहुति ही आपके लिए इंसाफ का पैमाना? काम करिए, हिंदुस्तान के मेजोरिटी कम्युनिटी के सामने अगर आप मुझे गर्दन मारना चाह रहे तो मार दीजिए, अगर आपको खुशी मिलती है तो इंसाफ कर लीजिए, मैं तैयार हूं, गर्दन मार दीजिए मेरी, मेजोरिटी कम्युनिटी खुश होना चाहिए कर दीजिए मैडम, क्योंकि फसादात में तो हो चुका है, चाहे वो मलियाना हो, नेल्ली हो, मुंबई हो, सिखों का हुआ है, मेजोरिटी कम्युनिटी ने ही तो किया है ना। और एक बार करना चाह रहे, बिस्मिल्ला हाजिर हूँ मैं। देखिए नहीं, नाखून का नहीं है मैडम, हमने खून बहाया इस मुल्क की आजादी के लिए, ये हमारा हक बनता है। इस हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेजोरिटी के ऊपर नहीं चलता है, वरना ये मुल्क श्रीलंका हो जाएगा, ये मुल्क वहां म्यांमार की तरह हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पर चलिए ना, मेजोरिटी और आप कैसी बात कर रहे हैं? इसीलिए तो पंडित नेहरू ने कहा था कि इस मुल्क को सबसे बड़ा खतरा मेजॉरिटी कम्युनलिज्म से है। अगर आप ये कह रहे हैं तो आप तो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं। माइनॉरिटी अपीजमेंट अगर होता तो सच्चर कमेटी झूठी है क्या? रंगनाथ मिश्रा कमीशन झूठी है क्या? एनएसओ सैंपल झूठे हैं क्या? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हम फंस चुके हैं इनके सॉफ्ट हिंदुत्व में, इनके हार्ड हिंदुत्व में, ये तो हम कह रहे हैं। डेटा अगर डेटा तो झूठ नहीं बोलता है ना। और आपकी विचारधारा क्या है सर? मेरी विचारधारा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है उसको फुलफिल करिए। सुधांशु जी का प्रॉब्लम क्या है कि अगर इनके गुरु राजनाथ सिंह के घर के नीचे खुदाई करेंगे ना आप, तो रहीमुद्दीन खाने खां का महल निकल जाएगा उसमें। क्या करेंगे आप बताइए, दे देंगे मुझे आप? अरे ये तो अरे ये मुल्क में हिस्ट्री है सर, इस मुल्क में बहुत हिस्ट्री गुजर चुकी है। और आप बार बार एक ही सिविलाइजेशन की मत बात करिए, इसमें मिलियंस ऑफ सिविलाइजेशन का हिस्सा हूं मैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, मैं तो कहूंगा घर को खोदने की क्या जरूरत है भाई। आज आप बाबर की बात हो रही थी ना, आप लोगों को पता है कि बाबर का बाप उज्बेक था और मां मंगोल थी। अरे अपना अपना डीएनए टेस्ट करा लीजिए, कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा उज्बेक और मंगोल डीएनए से। मैं तैयार हूं भारतीय है सर, मैं तैयार हूं। घर की बजाय अपने अंदर मैं तैयार हूं। चलिए आइए सर, करा लेंगे, करा लेंगे सर। आपने कहा कि मुसलमानों ने इस देश के लिए बार बार डीएनए की बाया है सर। हिंदुस्तान का जो सिविलाइजेशन है ना, वो मिलियंस ऑफ सिविलाइजेशन का एक ही नहीं है, इसमें कई चीजें शामिल है। मैं आपसे सिर्फ दो सवाल पूछ, अरे दस करिए सर, बैठने तैयार। आपने ये कहा
कि इस देश के लिए मुसलमानों ने बहुत खून बहाया, बिल्कुल बहाया है। आप बताइए कि आजादी के बाद देश का शहीद होने वाला पहला आर्मी का गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? सर जो पाकिस्तान से जंग हुई वही तो हुआ ना। हाँ कौन था? हवलदार अब्दुल हमीद थे। जी नहीं, बहुत से लोग सर, सर वो 1965 में हुए। ठीक है सर, 48 की लड़ाई में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी का नाम भी नहीं याद आएगा। एक मिनट, और वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले थे। ठीक है सर, बहुत अच्छा। और इनकी पार्टी के लोग आजमगढ़ में जाएंगे, संजरपुर में जाएंगे, आतंकवाद के आरोपियों के घर पे सिजदा करेंगे, ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे नहीं जाएंगे। अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ हुई 2015 में, सिर्फ बीजेपी वाले जाएंगे। अरे पहली शहनाई आजादी के समय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी लाल किले के ऊपर, बिस्मिल्लाह खान के घर इन दोनों में से कोई नहीं गया। आप कभी अबुल कलाम के नमाज जनाजा में नहीं जाते, याकूब मेनन के नमाज जनाजा में जाते हैं। इसलिए देखिए मेजोरिटी से प्रॉब्लम नहीं है, इंतहा पसंद जो सोच है जिसने, अरे साहब इस देश की तो गंगा जमनी तहजीब वो थी कि बुल्ले शाह कहते थे आज होली खेलूंगी मैं रसिया कह बिस्मिल्ला। जहां पर अमीर खुसरो ये मुस्लिम होके कहने की हिम्मत कर पाता था कि छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के, और इतना ही नहीं लाखों मुस्लिम जाता था मजार, हिंदू जाता था मजार पे और आज भी जाता है। मगर अफसोस आपने उस दारा शिकोह से नहीं जोड़ा जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करके नाम रखा सिर्रे अकबर। आप औरंगजेब से जोड़ते हैं, बाबर तुगलक औरंगजेब इशरत जहां याकूब मेनन अफजल गुरु, बस इसी में आपने मरवा दिया। इनका प्रॉब्लम एक ही है कि ये ले जाते हैं 1947 के पीछे। अच्छा ये बताइए कि गुरु गोलवालकर क्या कर रहे थे अंग्रेजों से मिलके, क्या कर रहे थे? गोलवालकर एक डेवर तो अंग्रेजों की ताईद कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप लोग? कर रहे थे आजादी की लड़ाई में। आपका एक हिस्सा बता दीजिए। अरे आपका एक हिस्सा बता, अरे सुनिए, पार्टी के नहीं है निजाम के साथ जो रजाकार थे सर उनको हमने पाकिस्तान भेजा दिया। हम बोले जाओ, आपने नहीं सरदार पटेल ने भिजवा। नहीं नहीं आप सुनिए ना, आप ही तो आरएसएस के लोग तो बैठे थे आराम से, लेटर्स हैं हेगडेवर के गोलवालकर के, आजादी की लड़ाई में हिस्सा मत लीजिए। आप बताइए क्या कर रहे सर? आप कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती, क्या मुफ्ती साहब ने क्या कहा था कि पाकिस्तान की वजह से इलेक्शन हुआ? अफजल गुरु की आपने ताईद कर दी, वहां पर आपको नेशनलिज्म याद नहीं आया? दूसरा उदाहरण कंपोजिट कल्चर की आपके ऊपर, क्या आप कंपोजिट कल्चर के खायल हैं क्या? कहां है सर, आप तो हिंदू नेशनलिज्म को मानने वाले। मैं जरा डिबेट को दो सीरियस मुद्दे पे ले जाऊं एक मिनट। आपको पता है, सुनिए, इस्लाम में कुल कितने फिरके हैं? 72। मैं बहुत बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूं इस्लाम का, मगर सिर्फ दुनिया में एक ही देश है जहां 72 के 72 हैं, वो हिंदुस्तान है और कहीं नहीं है। इसलिए आपका भी कंपोजिट कल्चर हमारी वजह से। एक बात याद रखिए कि मैं आपके रहमो करम पर हिंदुस्तान में नहीं हूं, आपके रहमो करम पर नहीं हूं मैं। 72 नहीं 200 हो जाएंगे। आप क्या मालिक है? आप मालिक हैं? नहीं है, है। साथ में सब बराबर है, 72 होंगे 100 होंगे, आपको से क्या? के मेंबर है जो सबको मेंबरशिप देता ना, है ना, ना, नहीं दे रहे ना सर। आप ब्राह्मण बनाएंगे मुझे? आप खुद हैं, दूसरों का बनाएंगे आप? अभी आपने दूसरा प्रमाण देखा मेरे ओपनिंग वाक्य का, दूसरा उदाहरण देखा। और ये डिबेट हिंदू मुस्लिम का है, ये डिबेट डीएनए का है, मैं नहीं जानता। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें दो शब्दों का प्रयोग हुआ, उसमें मैं संक्षेप में टिप्पणी करना चाहता हूं। एक हुआ शब्द बहुमत का, ये महत्वपूर्ण शब्द है। ये लोग भूल जाते हैं कि संविधान क्यों बनते हैं देश में। देशों में बहुत व्यापक सोच समझ के 3-3 वर्ष तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठ के संविधान क्यों बनाए जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि बहुमत से देश नहीं चलता। गणतंत्र लोकतंत्र की नींव है बहुमत, लेकिन बहुमत की नींव उससे भी नीचे है संविधान। और संविधान में हर मानव अधिकार इस सिद्धांत पर दिया जाता है कि उस मानव अधिकार को बहुमत भी नहीं ले सकता। अगर मानव अधिकार को सिर्फ बहुमत के आधार पर आप ले सकें तो फिर गणतंत्र भी नहीं रहेगा, संविधान भी नहीं रहेगा। तो ये समझना कि सिर्फ बहुमत में है इसलिए आप क्रूरता से मसल सकते हैं वो अधिकारों को, ये गलत है। दूसरा शब्द महत्वपूर्ण है राष्ट्रवाद का, और राष्ट्रवाद के लिए आपको आवश्यक है जानना कि यहां पर अगर 1920 में 1930 और 50 के बीच में दो परिभाषाएं आई राष्ट्रवाद की, और वो दोनों इन दोनों की परिभाषाएं थी जिससे इस देश का विभाजन हुआ। और हमें आज ध्यान रखना है कि हम हिंदू पाकिस्तान न बने। एक थी परिभाषा मुस्लिम लीग जिन्ना साहब की, जिसको मुस्लिम राष्ट्रवाद बनाया गया और ये सूट करता था ब्रिटिश को डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत। दूसरा बनाया गया गोलवालकर जी हेगडेवार और आरएसएस के अंतर्गत हिंदू नेशनलिज्म। इन दोनों के कारण, और ये दोनों एक प्रकार से मिरर इमेज हैं, इसके एक कारण से टू नेशन थ्योरी हुई और टू नेशन थ्योरी के कारण पाकिस्तान बना। इसलिए उस वक्त इंडियन नेशनलिज्म किसने बनाया? मैं नहीं कहता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अकेली थी, लेकिन इंडियन नेशनलिज्म बनाया नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, पटेल ने,
गांधी जी सबसे सर्वोपरि थे, उन्होंने इंडियन राष्ट्र भारतीय नेशनलिज्म के अंतर्गत एक नैतिक पुट दिया। तो ये दो शब्दों का जो प्रयोग हुआ और जो आपने अभी देखी हरकत, दो एक्सट्रीम मत, बिल्कुल मिरर इमेज है एक दूसरे के, और एक दूसरे को जागरूक करता है। हमारे देश में जो गलतियां होती हैं, अगर एक करता है तो उसी डिग्री में दूसरा वो प्रयोग करता है, और दूसरा करता है तो ये वापस वो प्रयोग करते हैं। यही जड़ है और उस जड़ का आपने प्रमाणित उदाहरण देखा है अभी। सुधांशु जी आज बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, लगता है डेली हियरिंग की बात से काफी उत्साहित है। डेली हियरिंग शुरू होने वाली है। देखिए वो तो आप ये तय मान लीजिए कि भगवान राम का मंदिर हमारी हार्दिक इच्छा है बनेगा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हार्दिक इच्छा पूर्ण होगी। ये इच्छा व्यक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो फिर ये मुद्दा नहीं होगा। अब एक और सुनिए, 1919 का मुद्दा नहीं। देखिए एक और बात आपको बताऊं, थोड़ा सा आपको थोड़ा पता लगेगा। जैसे हम इस देश को भारत माता कहते हैं, देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, चेतना का प्रतीक है, वैसे ही भगवान राम का मंदिर एक इमारत नहीं है, चेतना का प्रतीक है। आप देखिए देश आजाद हुआ 47 में, 49 में वहां पे मूर्तियां प्रकट हुई। जब 91 में भारत भूमंडलीकरण उदारीकरण में हुआ, तब वहां पर ढांचा गिरा और उसके बाद वहां पर अस्थाई वो मूर्तियां रख के और मंदिर चला। 2010 में बराक ओबामा ने आके ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट से कहा, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्ज, और उसी 2010 में वो जजमेंट आया। इसलिए भारत की उन्नति का शिखर और भगवान राम के मंदिर का शिखर एक साथ दिखाई पड़ेगा आपको 21वीं सदी में। वैसी जी जो भी फैसला आएगा उसके लिए तैयार है ना? ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस मिश्रा साहब नहीं है, सुधांशु साहब बने हुए हैं, यहीं पर हिज लॉर्डशिप फैसला दे चुके हैं। ऐसा लगता है कि इनको मालूम है, इल्म गैब है, नॉलेज ऑफ अनसीन है। वहां गई थी रात के अंधेरे में चोरों की तरह, मस्जिद को क्रिमिनल तरीके से, इस बात से बहुत आपत्ति है। ऐसे तो बहुत सारी एफआईआर है, चोरों की तरह रखने वाली बात के ऊपर। देखिए देखिए आप एफआईआर है, एफआईआर नंबर को झूठ बोलेंगे आप? नहीं नहीं साहब, वो एफआईआर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, वो जो आप इन्होंने लोगों ने वही तो षड्यंत्र करवाया था। सुनिए सुनिए, आप दोनों ने मिलकर करवाया। दिग्विजय नाथ ने जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे, अब आ गए हैं उनके चेले के चेले वहां पर मुख्यमंत्री बन के बचा हुआ काम पूरा करने के लिए। अच्छा, ये ट्रिपल तलाक के बाद भी फैसले के बाद आपने कहा था कि प्रभावित लग रहा है, ऐसा इस पर फैसला आएगा तो नहीं बोलेंगे? तो नहीं, अब ट्रिपल तलाक की आप बात कर रहे हैं भाई, एक बात ये बता दीजिए कि उस अभिषेक सिंघवी साहब हम दोनों से ज्यादा काबिल हैं लॉ में, उस जजमेंट में तो ये नहीं मालूम कि एक बार बोलने से तलाक होगा या तीन बार बोलने से एक मर्तबा होगा। इस मुल्क में कानून से आप सोसाइटी में रिफॉर्म नहीं ला सकते। अगर मुल्क में इतने अबैंडन्ड वुमेन है, हिंदू सोसाइटी में 20 लाख हिंदू अबैंडन्ड वुमेन है, उसमें हमारी एक बहन भी शामिल है जो गुजरात में बैठी है कि कब पिया मुझे दिल्ली बुलाएंगे मैं आ जाऊं, तो उसका जिक्र तो नहीं होता है। आपको मेरी फिक्र है, आप इस पे आप सवाल नहीं करिए, मैं माफी चाहता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो फैसला आएगा वो एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर होगा, वो आस्था की बुनियाद पर नहीं हो सकता। ये चाह रहे हैं कि आस्था की बुनियाद पर, हम कह रहे हैं कि टाइटल सूट है और टाइटल सूट का डिसीजन होगा तो एविडेंस के ऊपर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होगा, सिविल प्रोसीजर के ऊपर होगा। ये चाहते हैं आस्था के ऊपर। आपके हिसाब से सबूत क्या कहता है? क्या सबूत है आपके हिसाब से वहां का सबूत क्या कहता है? क्योंकि वो तो कुछ और ही बताएंगे। मैं तो इस सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करूंगा कि योर लॉर्डशिप ये टाइटल सूट है, ये आस्था का सूट नहीं है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको आस्था का मामला बना दिया, वहां पर तो मामला टाइटल का था, इन्होंने पार्टनरशिप बना दिया इसको। हम यही कह रहे हैं कि अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको आस्था की बुनियाद पर करता है या टाइटल सूट की बुनियाद पर करता है। ये टाइटल सूट कब का माना जाएगा? तभी तो मैंने कहा ना, 1950 का मानेंगे तो स्थिति भिन्न है, और 50 से पीछे जाएंगे तो फिर तो हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। और जहां तक सबूत की बात है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 2003 का एक्सकेवेशन या 1976 का एक्सकेवेशन, दोनों की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, और हो तो और करवा लीजिए। गलत कह रहे हैं आप, करवा के देख लीजिए। एएसआई की रिपोर्ट पढ़ाऊं? चीज उसके फेवर में आती नहीं है। आप रिपोर्ट नहीं पढ़े एएसआई की? एएसआई की रिपोर्ट में कहा है कि रेमिनेंट्स ऑफ पिलर्स हैं, वहां पर मंदिर कहा गया। मेनी पिलर्स बताइए आप, बताइए रिपोर्ट में कैसे पिलर्स लिखे? अगर ली मेरिडियन लिखे, अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है, मेरिडियन के नीचे खोदा जाएगा ना तो इसमें भी कुछ ना कुछ निकल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं ये पूरा देश जो है उसको आप सो कॉल्ड हिंदू कल्चर कहते हैं वो उसी का पार्ट है। सर इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट के मंदिर तोड़े गए वो बनाएंगे आप? उससे पहले जेंट्स के थे बनाएंगे आप?
कहां रुके हैं साहब, कहां रुकेंगे सर आप, बनवाए हैं, कहां रुके सांची और भरूच का स्तूप बनवाया गया था पुष्यमित्र के द्वारा। तारीख में पढ़ लीजिए जनाब, तारीख में ऐसे कई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। अच्छा वो छोड़िए, आप तो वो लोग हैं जिन्होंने उस पे चुप नहीं बोला कि बामियान बुद्धा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति तोप लगा के उड़ा दी गई। अरे सर, अफगानिस्तान से मुझे क्या करना है? कुछ बोला था नहीं, अफगानिस्तान से मुझे क्या करना है? अखंड भारत, एक मिनट सर, अखंड भारत में अफगानिस्तान आता है? सुधांशु जी, अखंड भारत में अफगानिस्तान आता है? अखंड आपके कॉन्सेप्ट में अफगानिस्तान आता है अखंड भारत में? देखिए एक मिनट, अगर आता है तो, अगर आता अखंड भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश आता है तो फिर बाबर कहाँ का? बाबर तो अफगानिस्तान का है ना, फिर बाबर बाहर कहाँ का होगा? अरे अखंड भारत का तो बाबर है, अफगानिस्तान में बाबर की कब्र है पर उसको कोई नहीं पूछता, भारत में पूछता है। अरे बाबर उज्बेकिस्तान का प्रॉब्लम, उसके उज्बेकिस्तान नहीं, बाबर अफगानिस्तान। अरे बाबर अफगान, अच्छा एक बात सुन लीजिए सर, बाबर की कब्र है अफगानिस्तान। सर मुझे तालिबान से क्या करना है, यही तो मैं भी कहता हूँ, मुझे आप सऊदी अरब से क्या करना है? हाँ तालिबान की आइडियोलॉजी आपसे मिलती जुलती है, मिलिटेंसी है, मुझे क्या करना है? मुझे हिंदुस्तान से मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है, सुप्रीम कोर्ट क्या आस्था पर करेगा या एविडेंस पर करेगा? तलाक पे तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है बोलने वाला, मेरे और राम मंदिर पे कहते हैं टाइटल सूट के रूप में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये मेरे मेरे बोलिए, बोला था कि नहीं, शुरुआत के वाक्य का तीसरा उदाहरण है। आप एक बात बताइए कि हमारे शुरुआत के वाक्य का तीसरा उदाहरण है और आप समझ गए हैं कि हमको सेंट्रिस्ट पार्टी क्यों कहा जाता है, मध्यस्थता के लिए सबसे उपयुक्त तो मैं क्यों हूं और मुझे वहां बैठना चाहिए। मेरे को बड़ा रोचक लगता है सुधांशु जी किस प्रकार से दिल्ली से अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं 2 सेकंड के अंदर, और उससे भी ज्यादा रोचक लगता है किस प्रकार से हर वाक्य में ये बोलते हैं कि हमने विरोध नहीं किया, सिर्फ हमने विरोध किया, आपने कुछ नहीं कहा। क्या आपने पढ़ा कि जब बामियान बुद्धा उसको अटैक किया तो हमने कितना उसका खंडन किया, लिखित खंडन किया, राष्ट्रपति ने खंडन किया, प्रधानमंत्री ने किया? ये ऐसे सर्टिफिकेट देते हैं जैसे आखिरी शब्द सिर्फ इनकी पार्टी ने बोला। अब जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि ये ओवैसी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइटल सूट है, कानूनी प्रक्रिया है, और कानूनी प्रक्रिया टाइटल सूट सिर्फ तथ्यों के आधार पर निर्धारित हो सकती है। ये क्यों नहीं कह सकती है दोनों पार्टियां, और मैं देख रहा हूं कि दोनों नहीं कह रही हैं कि जो भी उच्चतम न्यायालय करता है निर्णय हम सर्वमान्य मानेंगे, हम कोई दंगा नहीं करेंगे, हम कोई फसाद नहीं करेंगे, हम कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसको अंदर से कमजोर नहीं करेंगे। बड़ा सरल है, जब इतना रुक गए हैं आप तो ये क्यों कहते हैं कि हम सिर्फ वहां मंदिर ही देखेंगे, हम सिर्फ वहां मस्जिद ही देखेंगे, या हम 2/3 को 3/3 करेंगे या 2/3 को 0/3 करेंगे? ये दोनों की जो प्रक्रिया है ये गैर कानूनी है, और आपको आस्था होनी चाहिए कोर्ट में, और कोर्ट में आस्था को भी देखा जाता है, इतनी बड़ी लेकिन आस्था को तथ्यों के आधार पर देखा जाता है, दस्तावेज के हिसाब से देखा जाता है, ये नहीं कि मेरी आस्था है, मेरे बिलीफ है, मेरे मन में है, इसलिए कोर्ट कोई वर्डिक्ट दे देगा। मैं ये इतनी बड़ी सेंट्रिस्ट पार्टी है कि कोर्ट के जजमेंट को एक मजहब के लिए इन्होंने लाके पार्लियामेंट में पलट दिया था, वो ये सेंट्रिस्ट पार्टी है। और दूसरा मैं एक वाक्य बताता हूँ आपको, इन्होंने कहा ना साइंटिफिक आधार क्षेत्र है, आपको नहीं है, पार्लियामेंट को है आधार पे कोर्ट के जजमेंट से माना जाना चाहिए। मैं रिकॉर्डेड आपको घटना बता रहा हूं, 27 दिसंबर 1963 हजरत बल की दरगाह में पैगंबर मोहम्मद का जो मुकद्दस बाल रखा उसके बारे में ये अफवाह उड़ गई कि वो चोरी हो गया है, वो गुम हो गया है, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद पुलिस ने कहा नहीं साहब चोरी नहीं हुआ, सब यथावत रखा है। तब ये आपसे कहा गया कि उसको साइंटिफिकली प्रूफ करा देंगे कोर्ट से जजमेंट, उन्होंने कहा ना हमारे मौलवी आएंगे अरब और ईरान से और वो तय करेंगे और तब हम मानेंगे। चार्टर्ड पेन से भारत सरकार ने मनाया, कहा ये मजहबी मामला, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं मानेंगे, और हमारे में पूरी टेक्निकल बात मानेंगे जनाब। सुधांशु आपसे कहा नहीं बोलिए, ये स्टेटमेंट ये घटना है, आप तो पुराने कांग्रेसी हैं आपको पता होना चाहिए, और श्रीनगर से हैदराबाद तक दंगे भी हुए थे आपको भी पता होना चाहिए। सिविल सूट की प्रोसीडिंग भाई नेहरू जी के जमाने की बात हमें पता, आपको नहीं पता है। सुधांशु साहब कश्मीर में 3 साल से आप हैं सर, क्या कर रहे हैं सर, बर्बाद कर दिया आपने। अरे सुनिए तो सही, सरकार बात नहीं की हमने ना पाकिस्तान से बात करने दी, वो हिंदुस्तान के व्यवस्था के दमाद बन के घूम रहे थे। आपकी अप्रोच क्या थी, रैम्बो और जेम्स बॉन्ड की थी? वो रैम्बो जेम्स बॉन्ड की अप्रोच नाकाम हो गई तो आपने दिनेश्वर शर्मा को रख दिया वहां पर। आज आप, मैं आपको कह रहा हूँ, रैम्बो जेम्स बॉन्ड से वो हैसियत में आ गए। नहीं सर, नहीं आज भी है वहां पर। ये आप कश्मीर को तो बर्बाद कर दिए, क्या पॉलिसी है आपकी? 180 टेररिस्ट इस साल मारे गए, और आप बर्बादी की बात सुनिए, कह रहे हैं इनसे नहीं कह रहे हैं, दोनों से मजा रहे सर। मैं तो कह रहा हूं दोनों कह रहा हूं। देखिए एक बड़ी बात है, ये हैदराबाद से है, जब देश आजाद हुआ तो सब रियासतों का मामला सुलझ गया, हैदराबाद से लेकर जूनागढ़ तक।
एक ही जगह पंडित नेहरू ने अपनी उंगली रख दी, वहां से ऐसा उलझा कि आज तक नहीं सुलझ पाया, फिर भी सवाल हमसे पूछ। अंत में राम मंदिर पर ही रहते हुए, क्योंकि मुझे पता है वो आपको हैदराबाद में फंसा रहे हैं, आप फंस जाइएगा। नहीं नहीं, हैदराबाद में नहीं नहीं जीत सकेंगे, हारेंगे बुरी तरह, फिक्र मत करिए। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस पर सवाल तो नहीं खड़ा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी? अरे अभी तो 5 तारीख को हियरिंग है, 5 तारीख के दिन रोहिंग्या का भी हियरिंग आएगा, नहीं मालूम क्या फैसला आएगा। दूसरा फेवरेट टॉपिक आपका? अरे वो अब फेवरेट है तो आप बुलाते हैं मैडम, आप लोगों का फेवरेट मैं बना हुआ, आ जाइए, मैं आ जाता हूँ हुकुम पे आपके, आप मत बोलिए मैं क्या करूं। अगर कोर्ट का फैसला अगर आस्था की बुनियाद पर आएगा, जिस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट का आएगा, तो फिर आप खुद बताइए, टाइटल सूट है, एविडेंस के ऊपर होगा। अगर सुधांशु जी और आरएसएस के मोहन भगवत कहेंगे नहीं हो जाएगा, तो नहीं मालूम अगर वो लॉर्डशिप बने हैं तो बड़ी परेशानी की बात है। राहुल गांधी जो जगह खाली कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो हथियाया जा सकता है? वो अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुस्लिमों के बड़े नेता मोदी के सामने? नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे नेतागिरी करने का शौक ही नहीं है, ये दोनों कर रहे हैं, देख रहे हैं नतीजा क्या निकल रहा है। अब राहुल गांधी की बात तो अभिषेक साहब करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता उस बारे में, काबिल नहीं हूं उतना मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए, तालियों के साथ अभिनंदन इन तीनों का, जबरदस्त। सवालों के लिए वक्त है क्या हमारे पास? ठीक है, पर आप सभी से एक निवेदन है, संक्षिप्त सवाल करें, अपनी राय से उलझाएं ना सवाल को। बिल्कुल, मैं राय से उलझाऊंगा नहीं, मेरा नाम है पीके मिश्रा, मैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में कार्यरत हूं। दो ही क्वेश्चन पूछूंगा, काफी बातचीत हो गया सभी से राम मंदिर के ऊपर। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, कश्मीर के ऊपर बात हुआ, कितने मंदिर, 100 से ऊपर मैं बता रहा हूं, 100 से ऊपर कितना राम मंदिर और शिव मंदिर आपके गवर्नमेंट जब थे 1987 से लेकर के 90 तक गिराया गया है श्रीनगर में और कश्मीर में, और उसके ऊपर क्या कार्रवाई आपने किए। दूसरा चीज मैं ओवैसी से और आप बीच में सुनील जी से पूछना चाहता हूं, हम लोग जो माइनॉरिटी हैं इस देश में, हम लोग जो माइनॉरिटी हैं इस देश में, नॉर्थ ईस्ट में दो स्टेट में और कश्मीर में एक स्टेट में, उनका कभी आप सोचे हैं हम क्या क्या तकलीफ में हैं कश्मीर में और दो नॉर्थ ईस्ट में, इसके बारे में? सर आप जो फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, आप तो कभी एनएसए बन जाएंगे? आप जिस फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, आप कोई मिनिस्टर बन जाएंगे? आप एम्बेसडर बन जाएंगे? सर वो तो लॉन्चिंग पैड है सारी दुनिया को मालूम, आप माइनॉरिटी नहीं है, आप तो पावर में है सर, विवेकानंदा फाउंडेशन तो पावर में है, कौन आपसे पंगा लेगा? सर रहा सवाल नॉर्थ ईस्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट डिसीजन है कि स्टेट में लैंग्वेज की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे माइनॉरिटी हो सकते हैं। आप कहिए ना, आपकी सरकार है सर, विवेकानंदा फाउंडेशन तो आप ही लोग, गवर्नमेंट भी आपकी, फाउंडेशन भी आपका, आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं सर? हुकूमत तो आपकी है सर, जाके बोलिए आपके मित्रों को कर दो, कर देंगे। अगला सवाल, तो प्रोसेस शुरू भी कर दिया है। यहाँ पे माइक दीजिए, सुन रहा हूँ सर, बोलिए। ओवैसी साहब आपने बिल्कुल सही कहा, सिंघवी साहब तो सेकुलरिज्म की दुकान चला रहे हैं और आप बीजेपी के लोग जो है नेशनलिज्म की दुकान चला रहे हैं। आप बताइए क्या आप मुस्लिम वोट बैंक की दुकान नहीं चला रहे हैं? सर अगर वोट बैंक की दुकान चलती तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कितने एमपी हैं? गुजरात के असेंबली में 2 MLA खाली? सर सर आप मेरी बात सुनिए, अगर वोट नहीं, एक बात सुनिए, इंडिया कार्ड, डोंट प्ले हिंदू एंड मुस्लिम कार्ड। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि आर के नारायण एक्स प्रेसिडेंट ने सही कहा था, इंडित्वा की बात की थी, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। वोट बैंक अगर होता तो सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा तो झूठ होती क्या? वोट बैंक तो है ही नहीं सर, वोट बैंक तो मेजोरिटी कम्युनिटी का वोट बैंक है। अगला सवाल, अभिषेक जी आपने कहा कि आपको भगवा रंग देख करके अच्छा लगता है, आपके नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि भगवा रंग देख लूं, माथे पे तिलक देख लूं तो मेरा खून खोल जाता है, कैसे? गणतंत्र है, यही तो भारतीय गणतंत्र लोकतंत्र की मजबूती है जनाब, यही विविधता। मैं समझता हूं कि वोल्टेयर की कहावत आई
completely disagree with you, but will defend to death your right to disagree with me, is what I would say to Manishankar Iyer, in case he has said what you are saying. I have not heard him say that, but I am assuming you are right. Lekin, bhagwa rang kaun sa rang hai? Bhagwa rang agar aap dekhi utha ki constituent assembly debates, do, char, das panne hain, जिसमें श्वेत रंग, हरा रंग और भगवे रंग पे वार्तालाप है, और भगवा रंग भारत का बहुत ही गौरवशाली रंग है। मुझे पसंद है इसलिए कि मुझे रंग पसंद है, और मैं ये नहीं मानना चाहता कि हमने भगवा रंग सीड कर दिया है, मोनोपोली दे दी है बीजेपी को। कल मंदिर जाऊंगा तो मैं डिफेंसिव हो जाऊंगा, अपोलोजेटिक हो जाऊंगा, अरे मंदिर कैसे चले गए, ये क्या बात हुई। ये जानबूझकर इस प्रकार के विवेचन और वातावरण बना के बीजेपी का प्रयत्न है जी। और अगर मणिशंकर राय जी ने कहा है, मेरे को पता नहीं, तो ये उनका मत है, मैं पूरी तरह से आपके सामने बोल रहा हूँ, असहमत हूँ जी। मेरा मत दूसरा है। अभिषेक जी, एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है, अगर संसद में आज कोई प्रस्ताव आता है राम मंदिर के पक्ष में, क्या कांग्रेस को समर्थन करेगी, विरोध करेगी? सर, सबसे पहले तो सीधा प्रश्न, सबसे पहले तो आ ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, कौन सा कानून बना करता है? बिल्कुल कानून, देखिए वही तो प्रॉब्लम है, विश्व हिंदू परिषद मानती नहीं है कानून को। आप तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड नहीं होगा वो नहीं जी। अगला सर, ठीक है अभिषेक जी, आप इसका जवाब दीजिए। वो कहते हैं अगर संसद में ऐसा प्रस्ताव आए, कौन सा प्रस्ताव, राम मंदिर बनने का, तो कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में खड़े होगी या विरोध? देखिए पहली बात तो अगर मगर पे जवाब नहीं दिया जाता है, ये अगर मगर मैं कैसे आज घोषणा कर सकता हूँ कि प्रस्ताव का स्वरूप क्या होगा, डिटेल क्या होगा, और मैं पहले से बोल दूं कि हम किसी तथाकथित प्रस्ताव के ऊपर ये वोट देंगे, नंबर एक। नंबर दो, अगर उस प्रस्ताव के आने से पहले ये प्रयत्न किया जाएगा कि सर्वदलीय सहमति हो, प्रस्ताव ऐसे ही चलते संसद में, उसके पहले सर्वदलीय सहमति बनानी पड़ती है, विशेष रूप से ऐसे नाजुक मुद्दों पे, और वो सर्वदलीय सहमति होगी तो निश्चित रूप से लोग उसको समर्थन करेंगे। आज हमारे संसद में हालत ये है कि आम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास नहीं हो सकता, संवैधानिक संशोधन तो बहुत दूर की बात है, तो इस प्रकार के प्रस्ताव के ऊपर मैं एक एकेडमिक स्पेकुलेटिव टिप्पणी क्यों करूं। ठीक है सर, आप एक बहुत अच्छे लॉयर हैं और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, एंड यू आर आइडल फॉर मेनी माइनॉरिटी यूथ, an entire world is looking forward for India now, as we see what is happening in North Korea and other countries. Aaj ki date mein aap apne Muslim youth students ke liye, especially student youth ke liye, kya aap entrepreneurship, development, mandir mudde ke alawa, inke upar kya aap us pe focus kar rahe hain? Is time pe, is focus ko hata ke, kya hum development pe hum focus kar sakte hain? Agar aap bolenge, sare youth sunenge aapko. This is what I would request you also. Let's join hand together and make this nation a great nation. वो जवाब दें उससे पहले मैं बता दूं आपको। सर, मैं एक मिनट जवाब देता हूं। जवाब दें उससे सर, मैं आपको अभी हैदराबाद लेके चलता हूं, प्लीज आप चलिए, चार घंटे गुजारिए, मेरा काम देखिए, उसके बाद आप कहना मुझसे मैं क्या कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ तीन घंटे चाह रहा हूं आपसे। नहीं नहीं, प्लीज कम सर, नो यू हैव टू, नो आई एम नॉट पॉलिटिक्स, यू हैव टू कम एंड सी द वर्क आई एम डूइंग। यू नो my image on TV is completely different, whatever it is, but you have to come to Hyderabad and see the work which you are doing, and you will be shocked, you will be happy to know, and we are trying to fulfill and achieve whatever you have just said word by word. I would please request you come and see. मैंने इसलिए, थैंक यू सर, वी डोंट टेक काउंटर क्वेश्चंस प्लीज। मैं कहने वाला था कि मैं इनको कई बार कहता हूं कि प्रैक्टिस ज्यादा करा करें, कानून की कम करते हैं। ओवैसी जी से मेरा क्वेश्चन है, do you agree with triple talak or not? I don't know the supreme court judgment. I know I have spoken to many experts who are better, who know the law better than me. They themselves are confused after the judgment. Personally, what do you feel? No, triple talak, according to the Hanafi school of thought, it is a sin, but talak happens, and that is why the personal law board is trying its utmost best to stop the Muslim, that in case a marriage fails, please do not use this method of divorcing a woman. Do it according to the right way. ठीक है, एक आखिरी सवाल हम लेंगे। मैं अमित खेमका, आई एम ए लॉयर प्रैक्टिसिंग एट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सर, आप लोगों से मेरी बड़ी विनम्रता के साथ में मैं एक सवाल आप तीनों से पूछता हूँ, एक एक शब्द में बता दीजिएगा कि आप लोगों के हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है डिस्कशन की। ये
धर्म, ये जाति, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट है या कुछ और है? इस मुल्क में सबसे बड़ा चीज है इंसाफ की। आप इंसाफ करिए, सब मसले हल होंगे। मेरे हिसाब से मानवीयता। टैगोर ने कहा था कि मैं राष्ट्रवाद से कहीं ऊपर रखूंगा मानवीयता। दुनिया में जितने भी देश सुपर पावर बने तो तीन चीजें उनमें होती हैं। आपका इम्तिहान है सुधांशु जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, तीन चीजें होती हैं। बड़ा इम्तिहान इकोनॉमिक पोटेंशियल, मिलिट्री पोटेंशियल और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। इसके द्वारा कंट्री सुपर पावर तो बने, वर्ल्ड लीडर तब बनता है जब सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। और हम उस वैल्यूज की बात करते हैं कि दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा और बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। पर हम उस वैल्यूज को कहते हैं कि एक भाई जंगल जाए तो दूसरा साथ में जाता, तीसरा खड़ा हूं रख के शासन करता है। ये वैल्यूज पूरी दुनिया को इंस्पायर करेंगी अलॉन्ग विद दोस थ्री डेवलपमेंट। एक वैल्यूज ये भी है कि किसी को मार्गदर्शक मंडल में बिठाकर प्रधानमंत्री बन गए। चलिए इसी के साथ एक आखिरी सवाल, जल्दी से माइक दीजिए उनको, आखिरी है, छोटा सवाल पूछेगा सर। तो मेरा नाम जसकरण सिंह है। मेरा बहुत छोटा सवाल है कि 1984 पुराना किस्सा लेके आ रहा हूँ, बट 1984 जो विक्टम्स है उनको किस सदी में विल दे गेट द रिलीफ? बिकॉज कई चीजें आगे आई जा रही है, कई सरकारें आई हैं, लेकिन इस विषय में कोई किसी को जवाब नहीं मिला। सर आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, सर मैं आपको याद रखिए, कभी इंसाफ नहीं होगा। आप मुतमईन रहिए, कभी इंसाफ नहीं होगा। आप और हम सिर्फ रोते रहेंगे, मगर हमारा काम यह है कि अपनी नस्लों को उस वाकये को याद दिलाते रहना पड़ेगा कि इंसाफ के लिए लड़ता है। कोई नहीं इंसाफ करेगा सर। आपके आपके प्रश्न के अंदर की वेदना समझते हैं और मैं समझता हूँ तीनों लोग समझेंगे। उसकी दो तिहाई हिस्सा और सरकारें रही होंगी, हमारी भी रही, एक तिहाई इनकी सरकार रही होगी। मैं इसको संतुलित सिर्फ इतना कह के करना चाहता हूं कि देखिए, कुछ हद तक आपका आरोप कोर्ट कचहरी में लगना पड़ेगा। अगर आपकी वेदना है तो भी कानून ये संभवता नहीं करता कि मैं किसी को पकड़ के फांसी लगा दूं। आज कोर्ट ने, कचहरी ने सैकड़ों केसेस सुने हैं, कई जगहों पे एक्विटल हुआ है जिनको मैं निजी रूप से गलत मानता हूं, आप भी गलत मानते होंगे, लेकिन उसकी क्या करें, उसका उसकी एक अपील होती है, प्रक्रिया होती है, उसकी दूसरी अपील होती है और उसका पुनर्खुलने का प्रक्रिया भी होती है। और उस प्रक्रियाओं के अंदर, उस विलंब के अंदर वेदना बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कुछ हद तक हमारा सिस्टम है। ये नहीं कह सकते आप कि बहुत बड़े पैमाने तक प्रोसिक्यूशन नहीं हुए हैं, तहकीकात हुई है, रीओपन हुआ है, इंक्वायरी के बाद फिर रीओपन हुआ है, एक्विटल के बाद रीओपन हुआ है। लेकिन मैं यहां आपसे सहमत हूं कि अंततोगत्वा दंडित की जो प्रक्रिया है वो बहुत कम हुई है। बातों से अगर इंसाफ हो पाता। चलिए सर, इसी के साथ बहस का अंत करना पड़ेगा। इस देश में यही व्यथा है, बातों से इंसाफ होता तो कई बार हो जाता। ट्रैफिक चालान तोड़ दीजिए तो तुरंत पुलिस वाला चालान काट देगा, लेकिन दंगे का कोई इंसाफ इस देश में किसी पार्टी ने नहीं ठीक से दिया और वो हमेशा कटघरे में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।